सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एवेकस। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा, और आज हम देखने वाले बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला +6 इज इक्वल टू -4 + 10। तो ये हमारा बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला है, ये फोर्थ फॉर्मूला है बिग फ्रेंड्स का। इसके पहले हमने तीन फॉर्मूले पहले ही देख लिए हैं, तीन फॉर्मूले हमने सीख भी लिए हैं, और ये हमारा चौथा शुरू होने वाला है आज। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो, और अगर आपको वो फॉर्मूले भी सीखने हो, तो आप ज़रूर एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसे रेफर करो। वो एक प्लेलिस्ट की लिंक है, बिग फ्रेंड्स नाम की प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने ये सभी वीडियोस ऐड किए हैं पिछले तीन फॉर्मूले की। तो आप वहाँ से वो तीनों वीडियोस देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस ही है, और आपको फिर वो तीनों फॉर्मूले भी समझ आएंगे, आप वो भी सीख जाओगे। और फिर हम आज ये फॉर्मूला देखेंगे, फिर अगले वीडियो में ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ऐसे बहुत फॉर्मूले हैं अभी, तो आप टेंशन मत लो, मैं सभी फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, आपको एकदम क्लियरली समझ आएगा कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कब कौन सा यूज होता है, स्मॉल फ्रेंड्स बिग फ्रेंड्स ये सब हो जाएगा। स्मॉल फ्रेंड्स के अगर मैं कहूँ तो मैंने सभी फॉर्मूले सिखा दिए, स्मॉल फ्रेंड्स के टोटल 8 फॉर्मूले हैं। उसके भी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्मॉल फ्रेंड्स नाम की प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख लो। उसमें आपको सभी स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले एक एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो आप वहां पर से वो सब वीडियो देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम आज का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसमें हमें दिया +6 इज इक्वल टू -4 + 10। तो हमें क्या करना है, जब हमें 6 को ऐड करना होता है, ऐसे 6 ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पर मैं तो डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकता हूँ, अगर मुझे +6 बोले मैं ऐसे ऐड कर दूंगा, पर इसमें कंडीशन ये होती है कि जब हम ऐसे डायरेक्टली 6 ऐड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर पहले ही कुछ बीट्स ऐसे हमने ऐड किए हुए होते हैं, और फिर हमें कहते हैं +6, तो हम ऐसे डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले -4 करेंगे, फिर +10 करेंगे। मतलब अब अगर मेरे को यहाँ पर दिया है 4, ओके, फिर कहा गया है +6, अब मुझे 6 ऐड करने हैं, पर यहाँ पर मैं ऐसे 6 ऐड तो नहीं कर सकता। अगर ये मैं ऐड करूँ तो ये 5 ऐड हो जाएंगे, पर मुझे 6 ऐड करने हैं, तो वो 1 ऐड करना है मुझे, पर वो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला यूज करना होगा कि +6 इज इक्वल टू -4 + 10। तो मैं पहले तो ये 4 को माइनस कर दूंगा, और ये 10 यहाँ पर ऐड कर दूंगा। सो आर आंसर इज 10। और अगर आप देखो 4 + 6 तो 10 ही होता है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। तो ये हम एग्जांपल देखते हैं, इसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल भी दिया है 2, ये लिया मैंने 2, फिर है +7, ये ऐसे 7 ऐड किए, फिर है +6, अब मुझे 6 ऐड करने को कहा गया है, पर यहाँ पर मैं एक भी बीड़ा भी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर मुझे करना होगा -4 + 10। तो ये पहले तो ये -4, फिर ये +10, सारा आंसर है 15, ये 10 और ये 5 15। सो यहाँ लिख देता हूँ 15। फिर सेकंड एग्जांपल में दिया है 55, ये ले मैंने 55 + 4, ये 4, और फिर है +6, तो अब 6 ऐड करने के लिए फिर से -4 + 10, सो आवर आंसर इज 65। थर्ड एग्जांपल में हमें दिया है 22, ये मैं लेता हूँ 22 + 2, ये 2 ऐड किए, फिर है +6, अब फिर से सेम ही -4 + 10, सो आवर आंसर इज 30। फिर हमें दिया है 3, ये लिया मैंने 3 + 6, अब ये 6 ऐड किए, +36, अब 36 ऐड करने हैं, तो ये 30 तो ऐड किए, और 6 ऐड करने के लिए -4 + 10, सो आवर आंसर इज 45। फिर पांचवे एग्जांपल में दिया 1, ये लिया मैंने 1 + 3, ये 3, फिर है +56, तो ये 50 ऐड किए, और 6 के लिए -4 + 10, सो आवर आंसर इज 60। फिर सिक्स्थ एग्जांपल में 6 है, ये 6 लिए, +3, ये 3, फिर
फिर प्लस 36, ये 30 और 6 के लिए माइनस 4 प्लस 10, सो आर आंसर इज 45। फिर हमें दिया 55, ये ले मैंने 55 प्लस 4, ये 4 ऐड किए, फिर प्लस 16, अब ये 10 और 6 के लिए फिर से माइनस 4 प्लस 10, सो आर आंसर इज 75। फिर दिया 9, ये ले मैंने 9 प्लस 56, ये 50 और 6 के लिए माइनस 4 प्लस 10, फिर प्लस 11, तो ये 10 और ये 1, सो आर आंसर इज 76। फिर हमें दिया लास्ट एग्जांपल में 29, ये लिए मैंने 29 प्लस 26, ये 20 और 6 के लिए ये माइनस 4, अब मैंने ये माइनस 4 किए पर मुझे फिर उसके बाद करना है प्लस 10, माइनस 4 प्लस 10, ये मैंने ये 4 ऐसे थे तो ये माइनस किया, प्लस 10 करना है, पर यहाँ पर मेरे पास एक भी बिट नहीं है इसे ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर मुझे एक और फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि होगा स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला कि माइनस 4 प्लस 5। अब यहाँ पर ये टेंस रॉड है इसलिए हम कहेंगे माइनस 40 प्लस 50, वो दोनों एक ही है, ऐसे रॉड्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यू बदलती है, ये यूनिट, ये टेंस, 100 ऐसा, तो वो फॉर्मूला तो कांस्टेंट है, वो सेम है, पर अब ये मैंने 10 ऐड किए, कैसे किया, माइनस 40 प्लस 50, ये स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला है हमारे, ये बहुत ही पहले हो गया है, आप वो प्लेलिस्ट में से जरूर देखो फिर आपको समझ में आएगा। तो ये 26 ऐड हो गया, फिर माइनस 5, तो ये 5 माइनस कर दिए, सो आर आंसर है 50। तो ये रो हो गए है कंप्लीट, और आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया हो जो था प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 10। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ये फॉर्मूला प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहो, हम अगले वीडियो में ये फॉर्मूला आपके लिए ले आएंगे, और फिर तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।